सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह सुबह 7 बजे का टाइम हो चुका है और झाड़ू देते देते तो मैं अपने काउ शेड में पहुँच गई हूँ। और बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल ही खाली खाली जैसा हो गया है। तो मैं कर रही थी टंकी खाली। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी, जो पशुपालक है ना उनके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। जो हम गेहूँ की तोड़ी वगैरह लाते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा रेत रेत होता है और उसमें बहुत ज़्यादा कालापन होता है। तो हम देते हैं गेहूँ की तोड़ी को धोकर। मैंने आपके साथ पीछे भी ब्लॉग शेयर किया था। तो ये जो तोड़ी आती है ये पता नहीं कितने दिन पुरानी भी होती है और ख़राब भी होती है। तो पंजाब से लाते हैं जो तोड़ी, वो पशुओं को ना ध्यान से देनी होती है। ये देखो तो इस तरह से है ये, इसमें रेता ही रेता है और काली काली मिट्टी मिट्टी जैसी है। तो हम देते हैं धोकर। और पीछे तो बहुत ही ज़्यादा, ये तो रेत ही है सारा। देखो ये देखो, आधा रेत, आधे से ज़्यादा रेत है इसमें। देखो ये देखो, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करें। अपने पशुओं को ना इस तरह से उसका नहीं देना चाहिए। तो कुछ ना कुछ सावधानी है जो हमें बरतनी चाहिए। और इस तरफ से ये पूरा रेत रेत ही है। मुझे बोर का पानी ऑन करना है और इसको धोकर दोबारा इसमें हमें जो गेहूँ की तूड़ी है वो देते हैं हम धोकर। तो आधा घंटा इसमें भिगो कर रखेंगे और एक घंटा साइड में टोकरे में भर कर रखेंगे ताकि जो पानी है ना वो पूरा निकल जाए। उसके बाद फिर खुरली में डालेंगे और उसके ऊपर दरड़ वगैरह या कुछ भी खाने का जो भी अन्न है उसको मिलाकर फिर पशु ना आराम से खा लेते हैं। पर थोड़ा सा टाइम हमें यहाँ लगाना होता है कि ताकि हमारे पशु ना अच्छा घास खाए और फिर बीमार होने से भी बच जाए। कई बार ना इतना गंदा घास खाने से पशु की मौत भी हो जाती है। तो हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है। तो चलो मैं लग पड़ती हूँ अपने काम पे। तो सुबह सुबह मैं झाड़ू करने के बाद सीधा पशुओं के आंगन में पहुँच गई हूँ। और आज पंकज के पापा भी सुबह सुबह घर में ही ये धूप बत्ती का काम कर रहे थे, ऐसे मेरे साथ ना हेल्प करवाने आ गए। तूड़ी डाल दी है टंकी में और अब इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे और आधा घंटा तक ना इसी टंकी में रखेंगे, फिर निकालेंगे उसके बाहर। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फास्ट पे लगाया था क्योंकि ना वीडियो लंबी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा सा बताकर भी। तो अभी हम अपना काम कर ही रहे थे सुबह सुबह का। और पिछले दिन ना पंकज के पापा जी ने, इनका दरवाज़ा भैया है यहाँ हमारे गांव के पास में लगता है, एक गांव है नज़दीक के सभी लोग जानते हैं, और इनका दरवाज़ा बनकर तैयार हो गया है और ये आए हैं अपना दरवाज़ा लेने के लिए। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा यहाँ से शूट कर लेते हैं। और पशु बाहर बांध दिए इनके लिए 2 टोकरे गेहूँ के तोड़ी के डाल दिए थे और उसमें डाल दिया था हल्का फुल्का, थोड़ा सा आटा था और थोड़ा सा कुछ दरड़ भी मिलाया है तो वो डाल दिया है। और 2 टोकरे में बाद में डालूंगी। और ये आ गई है इनकी जीप। जीप में मतलब हमारे ना यहाँ यहाँ पर काफ़ी सुविधा हो गई है, जीप भी आ जाती है आंगन में। और अगर परली तरफ सेटरिंग वगैरह कुछ लानी हो तो काउ शेड की पिछली साइड भी लग जाती है जीप। और ये हमारे काम वाले हैं जो बिहार से, ये भी हमारा ब्लॉग ना कंटिन्यू देखता है। ये रणजीत है, देखो किस तरह का मजाक कर रहा है। और ये ना बहुत ज़्यादा शौक रखता है मतलब कैमरे के सामने आने का। पापा जी जीप का डाला खोल रहे हैं। अब यहाँ पर दरवाज़ा लोड करेंगे। और ये रहा इनका दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा है जो हमारे कमरे का मेन दरवाज़ा होता है सबसे बड़ा, जिसको हम हॉल बोलते हैं, उसका दरवाज़ा है। तो इन्होंने ना पहले कंची गेट लगा रखा था, वो निकाल दिया है। अब ये वाला दरवाज़ा लगेगा वहाँ, मतलब वहाँ पे। और हमारे मतलब काम जो वेल्डिंग का काम है वो अपने ही घर पर करते हैं, जहाँ कहीं भी करवाना, अगर किसी को अपने घर में करवाना है तो वहाँ भी कर देते हैं। लेकिन अलग हिसाब होता है, कुछ पता नहीं क्या हिसाब होता है, ये इस बारे में इनको ये पता, इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। और तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ लैंटर के ऊपर खड़ी थी, मैंने चुका अलग सारी शेयर करना होता है। तो हमारा तो ऐसे तो हमारा काम ना रूटीन होती है हमारी, और मैं आपके साथ ऐसे भी कंटिन्यू अलग ही मतलब अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। और यहाँ पे स्कूल दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनका आनंद भी ले रहे हैं इस लैंटर के। और बच्चे ग्राउंड में बैठे हुए नीचे और आधे बच्चे बैठे हुए हैं इस तरफ। दो बिल्डिंग आप मेरे ब्लॉग में काफ़ी बार देख चुके हैं। तो कुछ बच्चे इस बिल्डिंग में, कुछ अगले वाली बिल्डिंग है, कुछ ग्राउंड में बैठे हुए हैं। और ये भैया दे रहे हैं दरवाजे के पैसे और इनको कुछ रेते के बोरे भी ले जाने हैं। और यहाँ से और रोड भी आ गई आज हमारी। तो जो नए मकान का काम लगा हुआ है, अब वहाँ पे काउ शेड बनना है कि मकान बनना है ये तो अभी आपको अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। पर रोड़ी आ गई है आज, तो रोड़ी आधी उतारेंगे यहाँ पे और आधी उतारेंगे आगे जैसे
मतलब यहाँ ज्यादा उतार देंगे, पर है ना जगह नहीं है उतनी ज्यादा। और ये आए हैं रोड़ी लेकर, और यहाँ पे लगा हुआ है काम, और अभी पिल्लर के लिए खड्डे खोद रहे हैं, और यहाँ पे उतारेंगे जहाँ पे मतलब ये कूड़ा कबाड़ हटा रहे ना, यहाँ पे उतारेंगे। और ये हमारे जेठ जेठानी जी, इनको तो आप जानते ही हैं सभी लोग। और आज फिर से बहुत अच्छी खासी धूप खिली हुई है, और मुझे अपने जो मैंने तूड़ी के लिए बोरे बनाए ना, वो मेरे फट गए हैं। ये तो मैंने भैंस ने फाड़ा, इसमें सींग लगाया था और पूरे फाड़ दिया इस तरह का, और भी रिपेयर करने को इस तरह से ये देखो। तो इनमें मुझे करनी है सिलाई, और ये है मेरी सिलाई मशीन जो बोरियाँ वगैरह सिलने की है, और जो कपड़े सिलने की है ना वो दूसरी, वो तो आपने देख रखी है पहले से ही। और इस तरफ मुझे एक बोरी का तापड़ भी बनाना है, जिसको हम बिछौना बोलते हैं, इस तरह का बनाना है ये वाला। ये तो अभी ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये अभी जोड़ने के लिए मैं पहले ना इनकी रिपेयर कर लेती हूँ। बाकी 6-7 बोरे पड़े भी है, तो ये सब देखने पड़ेंगे, जहाँ से भी फटे होंगे ना उसमें सिलाई कर लेती हूँ, और फिर इनकी तह लगा कर रख दूँगी। ये रही मेरी मशीन और बोरी, अब इसको ना बार बार खींचना पड़ेगा, अगर दूसरा आदमी होता साथ में ना पीछे खींचना पड़ता है, क्योंकि बोरी पर ना मशीन जल्दी जल्दी नहीं चलती। और उतने को मैं अभी एक सिलाई भी नहीं दे पाऊंगी उतने को, मुझे कहा था ना कि चाय बना देना, चाय बनाऊंगी ना तब जब आदमी आंगन में बैठेंगे तब, उतने को मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ। और ऊपर नहीं आना है ना, थोड़ा थोड़ा सा काम निकालना पड़ता है, कभी कभी ना एक काम करने के लिए 3-3 दिन भी लग जाते हैं। बीच तो कुर्सियाँ लग गई है, अब मुझे चाय बनाने के लिए जाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मैं रिपेयर बाद में। तो आज मेरे बोरे का काम कंप्लीट हो गया है, और 7 बोरे मैंने रिपेयर करके छोड़ दिए, और ये मेरा बन रहा है बिछौना बोरियों का। और इस तरफ आ गया हमारा पार्सल, और पार्सल में नया कुछ क्या है यहाँ पर लगाती हूँ ट्राई बोर्ड, मैं कर रही हूँ काम। चलो निकालो तो उसे, आपको केड़ा बनाना, आपको बनाना है बोरी का बिछौना बनाते हैं हम, वो भी मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये सुइयों के साथ इस तरह से हमें सिलना होता है, और ये मैंने बोरे रख दिए रिपेयर करके। जो पानी का फुहारा हमने ऑनलाइन मंगवा रखा था, उसकी सेटिंग कुछ इस तरह की हुई है, और यहाँ से निकलेगा पानी जो फुहारा बनकर खेतों में बिखरेगा। तो ये स्टैंड कुछ इस तरह का है, क्योंकि पंकज के पापा जी बोल रहे थे ना कि मुझे एक ऑनलाइन स्टैंड मंगवाना पड़ेगा, और उसी को देखकर फिर दूसरे स्टैंड बनाने होंगे। जो पहले वाला बनाया था वो भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन वो ऐसे ही बना दिया था देखकर। और आज बादल का मौसम भी हो गया है, आज सोमवार भी है, और आज तारीख 12 है। और हमने जो पशुओं के पास तूड़ी गेहूं की तूड़ी डाल रखी थी ना, वो पशुओं ने खा ली है, कुछ बच गई, इसने हमने ना दरड़ मिलाया था। यही था हमारा आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि हिमाचल।